देखो, कल आप लोग को हमने बताया था ना कि खाद कैसे बनानी जी है ना? जी सूखे कचड़े से खाद बनाना कल हमने आप लोग को बताया था, आज उसको हम लोग दिखाते हैं। क्योंकि आप लोग गांव में हो, आप लोग अपने घर में इस चीज़ बना को सकते बना हैं। सकते हो, और बनाने के बाद जैसे घर में क्यारी बनी हुई है वहाँ पे इसको डाल सकते हो। इसमें जी कोई खर्चा है? नहीं एकदम फ्री का है, कोई खर्चा नहीं है। और ये जो खाद होती है इसमें कोई केमिकल नहीं मिला है, तो इसलिए फायदेमंद बहुत होती है। जी ठीक है, जी घर में सूखे कचरे से ही बन रहा है ये। देखिए सब्जी के छिलके हैं सब, ठीक जी है, जो हम लोग लाए थे इसको हमने बारीक काट दिया है। ठीक है, सब्जी के जी छिलके काट दिए हैं। उसके बाद चाहो तो इसमें भी देखिए छेद हमने कर दिए हैं। ठीक है, जी छेद क्यों किया है? क्योंकि उससे क्या है, ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन नहीं, जो ये सूखा कचरा है जब ये अपघटित होगा तो इससे जी पानी निकलेगा। जी अगर पानी नहीं निकलेगा तो ये सड़ जाएगी खाद हमारी, जी इसलिए छेद किए जाते हैं कि ये निकल जाए पूरा। ठीक है, ये हम लोग इसमें डाल देंगे पूरा। डालो इसमें, ठीक। इसको अपने हिसाब से बड़ा डिब्बा भी ले सकते हैं। और जी इस डिब्बे में आप देखिए ये छेद किया गया है, छेद इसीलिए कि पानी निकल जाए। अगर छेद नहीं करेंगे तो ये सड़ जाएगा पूरा। उसके बाद डालने के बाद इसमें हम लोगों ने गुड़, गुड़ और क्या कहा था, दही, पानी दही दही, दही। इसलिए दही में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है, और गुड़ क्या होता है, बैक्टीरिया को बढ़ाता है, वो इसमें हम लोग डाल देंगे। ठीक है, जी डालने के बाद पूरा ठीक, जी उसके बाद इसको ढक ढक देंगे देंगे 1 महीने के लिए कम से कम। और इसको धूप बीच बीच में दिखाते रहेंगे। ठीक है, जी बीच में धूप दिखाने का मतलब ये होता है कि धूप मिलती रहेगी तो ये अच्छे से सड़ेगा। और हर 4-5 दिन में खोल के इसको ऐसे मिलाते भी रहेंगे। ठीक है, इसीलिए इसको काटा गया था। ठीक, जी इसको हम लोग जब धूप में रखेंगे, जैसे जाड़ा है अभी तो कोशिश करो कि धूप धूप में रखो, जब गर्मी होगी तो लगातार धूप में नहीं रखना है, नहीं तो ये सड़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 1 महीने बाद आप देखेंगे ये पूरी खाद तैयार हो जाएगी। इस तरह जी से हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी जैसे गांव के हो तो इस चीज़ को करो। बाकी हमारे स्कूल के बच्चे तो इसको कर ही रहे हैं, हमने उनको समझाया है, आप लोग भी इस तरह कर सकते हो। ठीक है, जी तो आप लोग बनाएंगे ना इस सरकार? जी